की वीडियो गाइस है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आपने जो मेरे फेस पे हाइलाइटर यूज किया हुआ देख रहे हैं वो मेरा होममेड खुद का हाइलाइटर है। सो इट्स लुक लाइक ऐसे लग रहा है जैसे ये बाहर का हाइलाइटर होता है, बट सीरियसली गाइस ये खुद का हाइलाइटर है। सो हम यही हाइलाइटर कैसे बनाते हैं आज की वीडियो में आप सबको बताऊंगी। सिर्फ दो चीज़ों से बनता है ये हाइलाइटर, सिर्फ दो, और इसकी शाइन जैसे बाहर के हाइलाइटर की जैसे की होती है। सो यहाँ पे मैंने चीक्स पे, नोज पे और लिप्स के ऊपर भी अप्लाई किया हुआ है हाइलाइटर, बहुत अच्छा है ये। सो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत इजीली बन जाता है घर के सामानों से, जो हमारी चीज़ घर पे अवेलेबल है उसी से बन जाता है और ये बहुत अच्छी लुक देता है। सो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो अगर आपने ऐसा हाइलाइटर सीखना है तो आगे की वीडियो को देखना मत भूलिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर ही देना, और साथ में अगर कोई क्वेरी हो इसके रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो मुझे उसके लिए चाहिए होगी एलोवेरा जेल, आप एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी फेस लोशन ले लीजिए या कोई मॉइस्चराइजर ले लीजिए, आप प्राइमर भी ले सकते हैं, प्राइमर क्रीम भी ले सकते हैं, प्राइमर जेल भी ले सकते हैं, वो भी आपको अच्छा इफेक्ट देगी। बट आप क्रीम को मत यूज़ कीजिएगा, जैसे होता है ना कि हमने कईयों ने बताया हुआ है, जैसे कई कहते हैं कि हम क्रीम जो फेस पे लगाते हैं जैसे गार्नियर होगी, ओले होगी, कोई भी क्रीम हम जो फेस पे पॉन्ड्स की होती है, कोई भी जो हम फेस पे अप्लाई करते हैं उसमें अगर उसके साथ अगर हम हाइलाइटर बनाएंगे तो वो इतना अच्छा इफेक्ट नहीं देगा, जो जेल के साथ यूज़ करेंगे तो ज़्यादा। एलोवेरा जेल यहाँ पे मैंने ली है, तो आप एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, यहाँ पे मैंने पतंजलि की ली है सो आप वो भी ले सकते हैं, और साथ ही में आप प्राइमर भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, चॉइस इज योर्स, दोनों में से कोई भी चीज़ ले लीजिएगा। और हम मैंने यहाँ पे मेरे पास खाली कम्पैक्टा का बॉक्स पड़ा था जिसमें मैंने एलोवेरा जेल निकाल ली है थोड़ी सी। सो एलोवेरा जेल के बाद हम इसमें कोई आपके पास शिमर, अगर आप चाहते हैं कि शिमरिंग, मतलब ऐसे तो हाइलाइटर्स जो होते हैं वो शाइन वाले होते हैं क्योंकि वो शिमरिंग के प्रोडक्ट्स के बने होते हैं एज यू नो, तो यहाँ पर मैंने शिमरिंग आई शेडो लिया है, मैंने यहाँ पर वाइट और गोल्डन कलर को मिक्स करना है, मतलब इन दोनों को थोड़ा थोड़ा ली और आपके सामने मैं इसको रिजल्ट दिखाती हूँ। तो मुझे यहाँ पे कुछ और तो मिला नहीं है, मैंने ये जो प्लांट की पीछे वाली गलती है ना यहाँ से मैंने इसको स्क्रैच कर दी। सो ये देखिए आप लाइव देखिए इसको एकदम, यू कैन सी नाउ, ये है एलोवेरा जेल और इसमें मैंने थोड़ा सा ये वाला प्रोडक्ट है ना जो ये देखिए इसमें डाला है, और इसको थोड़ा सा और थोड़ा सा वाइट को डाला। सो ये मैंने ले लिया है यहाँ पर। सो अब इसको करेंगे हम मिक्स। सो अब इसको मिक्स करना है, यू कैन मिक्स इट एंड जस्ट अप्लाई इट एंड यू कैन वॉच रिजल्ट गाइस, सच में बहुत अच्छा हाइलाइटर है, इट्स वेरी गुड। आप कोई भी कलर का बना सकते हैं, जैसे पिंक भी बना सकते हैं। सो वो हमारे पास अगर हम खुद बनाएंगे वो भी सस्ता भी बनेगा, और साथ ही में हमारे फेवरेट कलर्स का बन सकता है, हमें जौन सा कलर का चाहिए हम उस कलर का बना सकते हैं गाइस। सो मैंने यहाँ पे इसको मिक्स तो कर लिया है, अब टाइम है इसको अप्लाई करने का। सो ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको मिक्स बहुत अच्छे से किया है, अब मैं आपको इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ। सो यहाँ पे मैंने इसको अप्लाई तो कर लिया है, यू कैन सी गाइस कितना अच्छा रिजल्ट आया है, शाइनी शाइनी लुक आई है, ये देखिए यू कैन सी इट, मतलब ये थोड़ा सूख जाएगा ना जब तो और भी शाइनी लगेगा, अभी तो ये गीला है, मैंने दोनों साइड पे इसको अप्लाई कर लिया है और ये बहुत अच्छा है, सीरियसली आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और साथ में मुझे टैग भी कीजिएगा अगर आप वीडियो अपलोड करेंगे तो। ये बहुत अच्छा हाइलाइटर है, सो मैं तो यही वाला यूज़ करूँगी घर पर भी, और वैसे भी इजी भी है, बन जाता है इजीली, मैं तो इसको नोज पे भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इसकी लुक तो देखिए कितनी अच्छी आई है, ये अभी थोड़ा सा गीला है,
और नोज पे मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा अप्लाई किया, बस थोड़ा सा, टू मच शाइनी लग रहा है ये, टू मच शाइनी। और अगर आप इसको आईज पे करना चाहें, आईब्रोज पे करना है, आप कहीं पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा लुक है इसका, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे तो ये, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितनी अच्छी लगी वीडियो, और लाइक से मुझे पता लगना चाहिए कि ये वीडियो सच में अच्छी थी या नहीं। सो अगर जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो गो एंड गाइस सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द रिंग बेल। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।